नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। भारतीय तटरक्षक ने चक्रवात नचों के दौरान समुद्र में जान माल की कोई हानि न हो यह सुनिश्चित करने के लिए नागरिक प्रशासन के साथ काम किया। चक्रवात मचौंग के बाद एर्नाकुलम चेन्नई क्षेत्र में बाढ़ के पानी के साथ बड़े पैमाने पर तेल रिसाव की सूचना मिली, जबकि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रिसाव के स्रोत का पता लगाने के लिए अपनी जांच शुरू कर दी। गिरा हुआ तेल अपना रास्ता जारी रखता रहा और कोसाथ लैयार नदी के मुहाने के माध्यम से शहर की नालियां, एन्नूर खाड़ियों और पूरे तटीय समुद्र क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। तटरक्षक बल की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय तटरक्षक हेलीकॉप्टर ने 9 और 10 दिसंबर को क्षेत्र की टोहली और बताया कि रिसाव को साथ लैयार नदी के मुहाने से लेकर कासीमेडू बंदरगाह तक समुद्र में लगभग 20 वर्ग किलोमीटर तक फैल गया है। वहीं आपको बता दें, एन्नूर से कासीमेडू बंदरगाह तक तटीय क्षेत्र मछली पकड़ने का घना क्षेत्र और हजारों लोगों की आजीविका का समर्थन करता है। क्षेत्र में तेल फैलने के विनाशकारी प्रभाव हो सकते हैं, नाजुक पर्यावरण को नुकसान हो सकता है और पारिस्थितिक तंत्र को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। विज्ञप्ति में कहा गया कि समुद्री पर्यावरण के संरक्षण और संरक्षण की अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए तटरक्षक जहाजों और हेलीकॉप्टर ने 10 दिसंबर को रिसाव के खिलाफ व्यापक प्रतिक्रिया अभियान चलाया और नाजुक तटीय पारिस्थितिक तंत्र पर एक बड़ी क्षति होने से बचा लिया। आईसीजी तेल रिसाव प्रतिक्रिया विशेषज्ञों को आंतरिक क्षेत्र की सफाई कार्यों में सहायता करने के लिए प्रतिनियुक्त किया जा रहा है। भारतीय तटरक्षक समुद्री क्षेत्र और तटीय जल को किसी भी प्रकार के प्रदूषण से बचाकर सुरक्षित और स्वच्छ समुद्र सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयासों में दृढ़ है। विज्ञप्ति के अनुसार 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से चलने वाली हवाओं के कारण आए चक्रवात मिचौंग ने व्यापक तबाही मचाई है, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई है और राज्य के 15 जिलों में जीवन और आजीविका ठप हो गई है। चक्रवात का असर सिर्फ आंध्र प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पड़ोसी राज्य तमिलनाडु पर भी पड़ा है।